हेलो साथी, आप सभी का अभिनंदन है। आपके अपने परिवार के अंदर सुबह के 6 बज चुके हैं और अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, आज अपनी 27 अगस्त उस करंट अफेयर उसका कवर करने वाले हैं। फटाफट से सभी दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों चलिए, तो जो 7 क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर के, वो अपने कवर करने वाले हैं। 7 क्वेश्चन जो PYQ यानी कल जो अपने रिविजन, ठीक है। आप बढ़िया सपोर्ट करोगे दोस्तों तो मैं आपको कुछ और भी इसके अंदर कंटेंट ऐड कर दूंगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से। चलो पहला क्वेश्चन दोस्तों, बिना टाइम खराब के रोजाना बस 10 मिनट ही क्लास होती, ज्यादा नहीं होती दोस्तों, बड़ी ठीक है ना। 10 मिनट दे दिया करो सुबह, जब टाइम मिले जब क्लास देख लिया करो, बस आप रेगुलर क्लास को देख लिया करो, बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। राज्य में जन आधार कार्ड पाने वाले प्रथम ट्रांसजेंडर कौन है दोस्तों? नूर शेखावत, गंगा कुमारी, जोईता मंडल या सबनम मौसी, कौन थी? जन आधार दोस्तों कब होता है शुरुआत जन आधार की दोस्तों, ये आपसे सर्वप्रथम यही प्रश्न बनेगा। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों आपकी 2019-20 के अंतर्गत, तारीख पूछी जाए तो 18 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत होती है। टैग लाइन इसकी क्या थी दोस्तों? एक नंबर एक कार्ड पे एक पहचान, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, ये इसकी दोस्तों टैग लाइन थी। इसके अंदर 10 अंक प्रदान किए गए, यानी दोस्तों इसके अंदर 10 अंक के अंदर दोस्तों इसकी जो अपना जन आधार नंबर है वो 10 अंक के अंदर है, और परिवार के जो अंक है दोस्तों 11 अंक, यानी आप देखोगे ना दोस्तों सदस्य आईडी या परिवार क्रमांक संख्या दोस्तों ये आपकी 11 अंकों के अंदर है। पिछली साइड देखना आप पलट के दोस्तों, ठीक है। 18 वर्ष से बड़ी दोस्तों महिला, ठीक है, इसके अंदर मुखिया होती है, और राजस्थान जन आधार अधिनियम पूछा जाए दोस्तों 2020 का, और प्राधिकरण नियम पूछा जाए तो 2021 का दोस्तों, और अपने पहले ट्रांसजेंडर दोस्तों जयपुर की है नूर शेखावत, इन्हें दिया गया है। राजस्थान की पुलिस के अंदर दोस्तों गंगा कुमारी जो ट्रांसजेंडर, पहली ट्रांसजेंडर है दोस्तों गंगा कुमारी राजस्थान पुलिस के अंदर, और पहली ट्रांसजेंडर एमएलए पूछी जाए तो सबनम मौसी दोस्तों। इतनी चीजें बेसिक से दे रहा हूं, फिर भी दोस्तों आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? चलो, आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 में निम्नलिखित में से किस थीम पर आयोजित हुआ? बचत राहत बढ़त, पधारो मारे देश, खेलेगा हर बच्चा, पढ़ेगा हर बच्चा, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, बताओ। आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल दोस्तों कब हुए थे, या आपके डेट भी याद नहीं आ रही क्या? 17 से लेकर कब तक हुए? 17 से 19 अगस्त, 7 लाख बच्चे इसके अंदर पंजीकृत हुए थे। थीम थी दोस्तों खेलेगा हर बच्चा, पढ़ेगा हर बच्चा दोस्तों, इसकी थीम थी, और यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के किस जिले में आदिवासी महिलाओं द्वारा गोबर की राखियां बनाई जा रही है? जयपुर, उदयपुर, पाली, जोधपुर, शिव चौहान का संबंध दोस्तों उदयपुर से, गुलाबों यानी गुलाब का संबंध उदयपुर से दोस्तों, स्मार्ट सिटी दोस्तों, सम्राट सिटी दोस्तों कहां पर? उदयपुर दोस्तों, मिशन कोटड़ा, ताराचंद मीणा से संबंध दोस्तों, मिशन कोटड़ा, ताराचंद मीणा से संबंध, सज्जनगढ़ जैविक दोस्तों उद्यान कहां पर है? ये सारे के सारे उदयपुर के अंदर ही है, और ये गोबर से राखियां बनाई जा रही है दोस्तों, ये अपने उदयपुर के अंदर ही बनाई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा विमुक्त, गुमुक्त एवं अदत्त घुमत्तु, घूमत सॉरी घुमत नहीं,
विमुक्त घुमतु एवं अर्ध घुमतु वर्ग की छात्राओं को 12वीं में 50% अंक लाने पर कौन सी योजना के तहत स्कूटी प्रदान की जाएगी दोस्तों बताइए। कालेबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत दोस्तों ठीक है। पात्रता क्या है दोस्तों? आरबीएससी के अंदर 60% फिर 65% और 65% दोस्तों ठीक है, और सीबीएसई के अंदर दोस्तों 75%। और राज्य सरकार ने घोषणा की है उसके अंतर्गत दोस्तों जो विमुक्तु भूमतु अर्धमुक्तु जिसके अंदर दोस्तों 12वीं के अंदर जिनके भी 50% है उनको स्कूटी प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत दोस्तों ठीक है। अगला प्रश्न, भुवनेश्वर में आयोजित 49वें नेशनल जूनियर तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं? गोरा सिंह शर्मा, युग चलानी, भावना जाट, कविता सिहाग, बताओ। युग चलानी दोस्तों, इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते दोस्तों, 5 गोल्ड मेडल ठीक है। भावना जाट, इनका संबंध किससे है? कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेने वाली, कॉमनवेल्थ गेम दोस्तों ठीक है, जो भी समझ लेना कॉमनवेल्थ गेम के अंदर दोस्तों। और दोस्तों आपके टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों भी भाग लेने वाली दोस्तों ये महिला भावना जाट कहां की है दोस्तों? राजसमंद। कविता सिहाग, इनका संबंध है दोस्तों बीकानेर। और साइकिल लिंग दोस्तों, इनका खेल है साइकिलिंग से संबंध हो जाएगा इनका। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व की सबसे छोटी मोजड़ी बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? पवन जांगिड़, रवि सोनी, सदाकत हुसैन रहमानी, कृष्णचंद पुरोहित। सबसे छोटी दोस्तों मोजड़ी, या आपके सदाकत हुसैन रहमानी के दोस्तों ठीक है। कितनी दोस्तों? 0.01 इंच गेहूं के दाना जितनी दोस्तों ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस जिले के पूर्व महारावल महिपाल सिंह का निधन हो गया दोस्तों? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, जयपुर दोस्तों, इतना आसान प्रश्न। पूर्व महारावल महिपाल सिंह का संबंध दोस्तों डूंगरपुर से हो जाएगा ठीक है। जो डूंगरपुर से ठीक है, और क्या कुछ बताने है क्या? एक तंबिया मेल कहां पर है दोस्तों? डूंगरपुर के अंदर ही है क्या? एक तंबिया मेल होगा देश का पहला आदिवासी साक्षर जिला दोस्तों डूंगरपुर, ये नोट कर लेना दोस्तों, देश का पहला आदिवासी साक्षर जिला दोस्तों कौन सा? डूंगरपुर। अब रिवीजन की तरफ चलते हैं, 26 अगस्त का रिवीजन दोस्तों। हाल ही में किस संस्थान द्वारा आकर्षक महिलाओं की आय दोगुनी करने तो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बाजरे से काकरा बनाने दोस्तों ऐसा कौन कर सकती है? काजरी। 1959 के अंदर स्थापना इसकी, 1987 के अंदर स्थापना दोस्तों। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मांडना कलाकार और लोक संस्कृति कर्मी कौशल्या देवी का निधन हो गया दोस्तों, इनका संबंध राज्य के किस जिले से था दोस्तों? वो जिला था दोस्तों बारा का। हाल ही में राज्य के किस विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक शोध पीठ स्थापित की गई दोस्तों? मौलाना आजाद विश्वविद्यालय दोस्तों। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे पत्रकारिता के क्षेत्र में राजस्थान उर्दू अकादमी के वर्ष 21-22 का बेदिल बीकानेरी अवार्ड दिया गया दोस्तों बताओ।
चांद मोहम्मद को। अगला प्रश्न, 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य के किस जवान को मरणोपरांत दोस्तों ये अपने शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया दोस्तों, मेजर मुस्तफा बोहरा। 20 से 23 अगस्त 2023 तक 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए का भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों, बताओ। उदयपुर दोस्तों। वर्ष 2023 में राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार के बारे में, सत्य कथन दोस्तों 21,000 रुपये दोस्तों पहले को दिया गया, दूसरे को दोस्तों 11,000 रुपये, शबनम को पहला दोस्तों, बसंती देवी को तृतीय स्थान, प्रेमचंद उन्नी पुट्टू के लिए दोस्तों 7100। उपरोक्त सभी ये थे दोस्तों आपके करंट अफेयर। मैं जल्दी जल्दी करंट अफेयर कवर करवाना चाहता हूँ जिससे आपके दोस्तों बढ़िया तरीके से टाइम ज्यादा खराब ना हो दोस्तों। थोड़ा सा माइक अभी दूर था दोस्तों, मैंने अभी देखा था, प्लीज थोड़ी बहुत आवाज में एडजस्ट कर लेना दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है।